वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में एग्जम्प्टेड गुड्स की परचेज की एंट्रीज करनी है, परचेज की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एग्जम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं और क्यों इनको एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में रखा गया है, कैसे अगर इनको दोबारा से टैक्सेबल बनाना होगा तो जीएसटी काउंसिल को क्या करना होगा। अगर आपने उस क्लास को देखा नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उस क्लास को देख सकते हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये क्लास उसी क्लास का अगला पार्ट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीधे परचेज की एंट्रीज करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं कुछ चीजें रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें 149 कैटेगरीज के आइटम्स हैं जिनको एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में रखा गया है, यानी इनका जब भी हम बिल क्रिएट करेंगे हमें जीएसटी कोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये जीएसटी से बाहर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम परचेज की एंट्रीज पास करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये तो लिस्ट है जिसमें आपको यहाँ पे एचएसएन कोड भी दिया हुआ है और ओवरऑल आप देखेंगे तो 149 गुड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं एक बार स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल करेंगे तो गूगल पे भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है अभी करंट अपडेटेड है और ये चीजें बदलती रहती है। तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल है 149 कैटेगरीज है, आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ। तो देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे 149 कैटेगरीज के आइटम्स हैं जिनको अभी एग्जम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज की एंट्रीज पास करनी है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास दो इनवाइस पड़ी हुई है जिनको हम पास करके देखेंगे अगर हमें टैली प्राइम में एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। तो पहली जो इनवाइस है आप देखेंगे यहाँ पर पार्टी का नेम है कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज। इनसे हमें परचेज करना है क्या, 300 पीसेस करंट अफेयर मंथली मैगजीन परचेस करना है जिसका प्राइस है ₹50 और वीकली न्यूज़पेपर है जिसको हमें 1000 पीसेस परचेस करना है जिसका प्राइस है 3.5 यानी ₹3.50। और आप देखेंगे इस पूरी की पूरी इनवाइस में कहीं पे भी जीएसटी कोड नहीं किया गया है। ऐसे एक और इनवाइस हमारे पास पड़े हुए देखेंगे आप, यहाँ पे इनवाइस डेट है 2 अप्रैल 2020, सप्लायर इनवाइस नंबर है 105, इसके बाद पार्टी का नेम है समीर स्टेशनरी सर्विसेस और इसके बाद आइटम्स है यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स है, वीकली न्यूज पेपर्स है। तो आप देखेंगे दोनों ही दोनों बिल्स में कहीं पे भी जीएसटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए अब अगर हमें इसे पास करना है टैली प्राइम में तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें पहला काम जो करना है वो हमें आइटम क्रिएट करने हैं। तो आइटम क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे चला जाता हूँ और यहाँ से लाता हूँ मैं स्टॉक आइटम पे, इंटरप्रेस करता हूँ। पहला जो आइटम था आपका, एक बार दोबारा से देख लेते हैं पहला आइटम क्या था। तो इस लिस्ट का सबसे पहला जो आइटम है वो है आपका करंट अफेयर मंथली मैगजीन। तो इसको नाम आप दे सकते हैं कोई भी, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं करंट अफेयर मंथली मैगजीन। इंटरप्रेस करूंगा, इंटरप्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर अंडरग्रुप देना है तो अंडरग्रुप में मैं डाल देता हूं मैगजीन्स। तो यहाँ पे मैं ऑल सी करके मैगजीन्स की एक अंडरग्रुप बना लेता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ। कह रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ठीक है, फिर मुझे इसको बनाना नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना है मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैगजीन का ऑलरेडी एक अंडरग्रुप बना हुआ है। अब इसकी काउंटिंग हम किस में करेंगे, इसका यूनिट क्या रहेगा, तो इसका यूनिट रहेगा पीसेस। तो यहाँ पे हम पीसेस सिलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रहने देते हैं, इस पे सेट ऑल्टर जीएसटी में चले जाते हैं, यहाँ पे नो इसको यस करते हैं, इंटरप्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ये क्या है। तो ये मैगजीन्स है तो मैं मैगजीन्स डाल देता हूँ, यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ। एचएसएन कोड, तो फिलहाल आप एचएसएन कोड चाहें तो वहां से जाके ले सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं डालता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ऑन वैल्यू रहते हैं और यहाँ से आपको एग्जम्प्ट सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, टैक्सबिलिटी इसकी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी, यानी इस पे टैक्स नहीं लगेगा, अभी इसको एग्जम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है। और बाकी आपको फिर पूछेगा नहीं आई जीएसटी सीजीएसटी कितना लगेगा, तो उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने नहीं है, गुड सिलेक्ट करना, कंट्रोल करके सेव कर लेना है। इस तरीके से आपका एक पहला आइटम क्रिएट हो गया है। दूसरा आइटम क्या था, वो था वीकली न्यूज पेपर, आपको क्रिएट करना है। तो सबसे फिर से पहले आप वीकली यहाँ पे टाइप कर दीजिए न्यूज पेपर, इंटरप्रेस करिए, इंटरप्रेस करिए। इसको किस कैटेगरी, इसका अंडरग्रुप क्या रखेगा, तो हम इसको अंडरग्रुप रख देते हैं न्यूज पेपर, इंटरप्रेस करते हैं और इसको हम कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसका भी हम जो काउंटिंग रखेंगे यूनिट रहेगा पीसेस, तो हम पीसेस कर लेते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, एप्लीकेबल रहने देते हैं, सेट ऑल्टर जीएसटी में वाई प्रेस करते हैं और यहां से हम कर देते हैं न्यूज पेपर, इंटरप्रेस करेंगे। एचएसएन कोड अगर चाहें तो आप जाकर यहाँ पे लिस्ट में से देख सकते हैं, मैं फिलहाल फास्ट मोशन में बनाता चला जा रहा हूँ। एचएसएन कोड आप चाहें तो हर एक प्रोडक्ट का आपको एचएसएन कोड डायरेक्टली गूगल करने पे मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इंटरप्रेस करूंगा, ऑन वैल्यू रहने देता हूँ और फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें एग्जम्प्ट कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ से आपको एग्जम्प्ट करना है, अभी निल रेटेड और अननोन की एंट्रीज हम आगे चल के करेंगे, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो बेस्ड है, आज का वीडियो बेस्ड है एग्जम्प्टेड गुड्स पे।
एग्जम्प्ट कर देते हैं और इसको गुड्स करके कंट्रोल लेकर के हम सेव करा देते हैं। अब क्या हुआ, हमने आइटम तो क्रिएट कर लिए हैं, अब जिससे हमें परचेज करना है माल, हमें क्या करना है, उसका लेजर क्रिएट करना होगा। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई माल परचेज किससे करना है। तो कुमार बुक्स एंड स्टेशनरी से हमें माल परचेज करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज का जब हम यहाँ पर करेक्टर में लेजर क्रिएट करेंगे तो इनको रेगुलर रखेंगे या फिर हम इनको रखेंगे अननोन या अनरजिस्टर्ड। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज सिर्फ इसी चीज में डील करते होंगे, यानी करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन सिर्फ सेल करते हैं या फिर वीकली न्यूज़पेपर सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है हो सकता है कि उनके पास जीएसटी नंबर ना हो। अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर आप उनको रेगुलर मत रखिए, उसकी जगह पे आप, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे अनरजिस्टर्ड या नोन, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इसके अलावा भी कोई और चीज में डील करते हैं तो उनके पास जीएसटी नंबर है अगर, तो फिर आप उनको रेगुलर में रखिए। तो मेरे केस में क्या है, मेरे केस में मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर क्रिएटर है कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज, ये रेगुलर है, इनके पास और भी गुड्स है, क्योंकि लेकिन मैं जो सामान खरीद रहा हूँ उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन बाकी का मैं जब सामान परचेस करता हूँ इनसे तो उनपे जीएसटी चार्ज होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज को रेगुलर कैटेगरी में डाल देता हूँ। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे लेजर, तो मैं डाल देता हूँ लेजर का नाम कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज, एंटरप्रेस करूंगा, एंटरप्रेस करूंगा, यहां से हमें सेलेक्ट करना है अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप में मैं यहाँ पे रखूंगा संडी क्रेचर, एंटरप्रेस करूंगा, यहाँ से कुछ काफी सारी चीजें पूछेगा आपको, इसमें कुछ फिलहाल करना नहीं है। एड्रेस अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, मेरे केस में बिल में एड्रेस शो नहीं कर रहा है तो मैं रहने देता हूँ। एंटरप्रेस करूंगा, स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, रहने देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछेगा कंट्री का, पिन कोड बताइए कहाँ के हैं, तो पिन कोड मेरे पास फिलहाल है नहीं, मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज यही आ रही है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि इनके साथ मेरा प्रॉपरली डीलिंग होता रहता है और कई भी सारे ऐसे अदर्स गुड्स भी हैं जो रेगुलरली मैं इनसे परचेज सेल करता हूँ, तो मैं इनको रेगुलरली रखूंगा। मेरे पास अभी फिलहाल जीएसटी नंबर अगर है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, रेगुलर है तो ऑब्वियसली आपको डालना भी चाहिए। मान लेता हूं मैं कि ये जीएसटी नंबर होगा और मैं अपने आइडिया से डाल देता हूं। तो जीएसटी के साथ जब हमने परचेज किया है तो अभी तक हमने क्या किया है, जो परचेज के हम लेजर्स यूज करते थे वो थे परचेज एट द रेट 12% एंड परचेज एट द रेट 18%। अब इस केस में क्या होगा, इसमें तो हम कोई जीएसटी चार्ज करने वाले नहीं है, यानी जीएसटी कोड नहीं करेंगे, तो हम एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से लेजर का नाम होगा एग्जम्प्ट परचेज, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ एग्जम्प्ट परचेज। इसके बाद अंडर ग्रुप में परचेज ही रहेगा, तो मैं परचेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ, बाकी आपको इसमें कोई चेंजेस करने नहीं, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, सर्विस की जगह गुड्स कर लीजिए, कंट्रोल लेकर इसको सेव करा दीजिए। यहाँ से क्या हुआ, आपके लेजर्स क्रिएट हो गए हैं, आइटम्स क्रिएट हो गए, अब हमें जाकर इस एंट्री को पास करना है। स्केप करके बाहर आ जाइए और अब चले जाइए आप ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स में। अब हमें क्या करना है, हमें इस एंट्री को पास करना है। एंट्री को पास करने के लिए एक बार बिल से दोबारा देख लेते हैं। इनवाइस डेट थी 1 अप्रैल 2020 और सप्लायर इनवाइस नंबर था 107107। इसकी हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो परचेज वाउचर में हमें जाना है, तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर डालना है। तो ध्यान रखिए सप्लायर इनवाइस नंबर कितना था, एक बार देख लेते हैं, 107। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 107, एंटर प्रेस करता हूँ। डेट कितनी थी एक बार दोबारा देख लेते, 1 अप्रैल 2020 था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 अप्रैल 2020, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहां से आपको पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, तो पार्टी का नेम क्या था, पार्टी का नेम था कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज। तो आपको यहां पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर आप देखेंगे मेरे लिस्ट में शो कर रहा है, तो यहां पे मैं कुमार बुक्स एंड स्टेशनरीज सेलेक्ट करूंगा। अब रिसिप्ट नोट नंबर, ये डिस्क्रिप्शन है अगर आपके पास तो आप अपने बिल में डाल सकते हैं, मेरे पास फिलहाल ये चीजें नहीं है तो मैं इनको ऐसे एंटर करके पास करा दे रहा हूं। अब यहां पर आपको पार्टी की डिटेल सेलेक्ट करनी है, वो तो लेजर बनाते समय जितनी मेरे पास डिटेल्स थी वो मैं पहले डाल चुका हूं, तो मैं यहां से एंटर प्रेस करूंगा और एंटर करता चला जाऊंगा। इसके बाद अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें एग्जम्प्ट परचेज सेलेक्ट करना है, ना कि परचेज एट द रेट 18%। एग्जम्प्ट परचेज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां से आइटम क्या था, करंट अफेयर मंथली मैगजीन थी, तो सी प्रेस करेंगे और यहां से करंट अफेयर मंथली मैगजीन सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पीसेस चाहिए थी हमें, 300 पीसेस, तो यहां से 300 प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। रेट आपसे पूछेगा भाई रेट कितना है, तो मैं बता देता हूँ, रेट जो मैगजीन है इसका पर पीस हमें 50 रुपीज चार्ज पे करना होता है, तो यहाँ से 50 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला आइटम क्या है भाई, अगला आइटम है वीकली न्यूज़पेपर, तो आपको यहाँ पे W प्रेस करना है, वीकली न्यूज़पेपर आ जाएगा। कितने कॉपीज हमें खरीदने हैं, तो हमें 1000 कॉपीज परचेस करने हैं, तो यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ। पर कॉपी प्राइस क्या है, 3.5, तो यहाँ पे मैं 3.5 कर देता हूँ, तो ये कैलकुलेट होकर पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ गई है। अब जैसे कि मैंने बताया आइटम की डिटेल्स तो हम फिल कर चुके हैं, अब कि अगर हमें यहाँ पे जीएसटी की कोडिंग करनी है, तो मैं अगर आई प्रेस करता हूँ, इनपुट में कोई भी मैं लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। देखते हैं हम यहाँ पर इनपुट सी जीएसटी एक बार लेके देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई कैलकुलेट होकर नहीं आया, क्यों नहीं आया,
क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स है, और जो आपने इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जो भी आपने क्रिएट किया था वो आपने टैक्सेबल में जाकर क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पर जो हमने ये आइटम्स बनाए हैं इनको एग्जेम्प्ट की लिस्ट में रखा है। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो भी ये कोट होके आएंगे नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये इनपुट आईजीएसटी है या इनको कोट नहीं करना है। तो अब यहाँ से इसको आपको हटाना है तो क्या कर सकते हैं, फिर से मैं स्किप करके बाहर जाता हूँ, इस एंट्री को दोबारा पास करके देखता हूँ। बिल का नंबर था 107, तारीख थी 1 अप्रैल 20। इसके बाद पार्टी का नाम था कुमार बुक्स एंड स्टेशनरी, बाकी डिटेल्स हमें भरनी नहीं थी, इंटरप्रेस कर देता हूं। इसके बाद आपको यहां से इंटरप्रेस करना था, यहां पे एग्जाम्प्ट परचेज रखेंगे, आइटम था आपका करंट अफेयर मैगजीन, कितनी पीसेस थी एक बार देख लेते हैं फिर से, 300 पीसेस, प्राइस ₹50 और ये आपकी आ गई। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यहीं से कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देना है। आप सेव कराएंगे एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने जो हमारे पास इनवाइस थी उसकी एंट्री हमने कर दी है। अगर अब हमें देखना है तो दूसरी इनवाइस भी हमारे सामने पड़ी हुई है, ये है समीर स्टेशनरीज से। इस बार प्रिंटेड बुक्स परचेस करनी है और फिर से वीकली न्यूज़पेपर परचेस करना है। तो फिलहाल आपने प्रिंटेड बुक्स का ही आइटम आपको क्रिएट करना है, बाकी समीर स्टेशनरीज सर्विसेस नाम का भी एक आपको क्रिएट करना है लेजर। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हम एंट्री पास करते समय भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एंट्री पास करते समय ही इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले देखें, यहाँ पे सप्लायर नंबर कितना है, इनवाइस नंबर 105 है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 105, इंटरप्रेस करूंगा। डेट कितनी है, 2 अप्रैल है, डेट 2 अप्रैल रहने देते हैं, इंटरप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ से हमें पार्टी क्रिएट करनी है, तो मैं ऑल सी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे समीर बुक्स एंड स्टेशनरीज, इंटरप्रेस कर देता हूं, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, नाम सही है, स्टेशनरी सर्विसेज था, एक बार मैं देख लेता हूं, समीर स्टेशनरी सर्विस था, सॉरी। तो इसको मुझे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, बुक्स नहीं है यहाँ पे, स्टेशनरी सर्विस है। तो यहां से मैं बुक्स को ये हटा देता हूं, सर्विसेस आपको और डाल देना है, इंटरप्रेस करना है, संडी क्रिएटर है हमारे। और फिर से आपको वो चीज ध्यान देनी है, अगर ये रेगुलर है, इनके पास जीएसटी नंबर है, तो आप रेगुलर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर चाहें तो अननोन या रजिस्टर्स रख सकते हैं। मेरे केस में रेगुलर रखने वाला हूं मैं, और यहां से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं। सेव कराने के बाद अब हम आगे पहुंचेंगे, तो यहां पर एक बार फिर से मैं जरा कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं, डिटेल्स फिल करूंगा और इंटरप्रेस करके मैं आगे चला जाता हूं। यहां से मैं एग्जाम्प्ट परचेज सेलेक्ट करूंगा। अब आइटम कौन कौन से थे एक बार देख लेता हूं, तो प्रिंटेड बुक्स थी जो कि मैंने बनाया नहीं, तो ऑल सी करता हूं, प्रिंटेड बुक्स, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस अंडर ग्रुप्स में यहां पे बुक्स बना लेता हूं एक बार, जीएसटी एप्लीकेबल रहने देता हूं, यस कर देता हूं। यहां से हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में बुक्स डाल देना है, यहां से मुझे एग्जाम सेलेक्ट करना है, गुड्स पे रहने देना है और कंट्रोल लेकर के उसको सेव करा देना है। अब यहाँ पे कितना आइटम रहेगा एक बार देख लेते हैं, यूनिट में आई गेस शायद थोड़ी सी चेंजेस करने थे, यूनिट हमने सेलेक्ट नहीं किया है शायद, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ और ऑल्टर करके एक बार जरा चेक करता हूँ क्या मैंने यूनिट सेलेक्ट नहीं किया था। आइटम पे चला जाता हूँ, अभी हमने बनाया है वीकली करंट अफेयर्स प्रिंटेड बुक्स, यहाँ पे यूनिट हमें सेलेक्ट करनी थी, हमने यूनिट सेलेक्ट नहीं की थी, बाकी सब कुछ तो ठीक ही ऑलमोस्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, वाई एंड कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देते हैं, गुड्स करते हैं, कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देते हैं। अब हम जाएंगे और दोबारा से एंट्री को पास करते हैं, तो यहाँ पे बिल नंबर था 105, इंटरप्रेस करेंगे, तारीख सही है, यहाँ पर पार्टी का नाम है समीर स्टेशनरीज, इंटरप्रेस कर देते हैं, इंटरप्रेस करते चले जाते हैं। और यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से हमें एग्जाम परचेज रखेंगे, इसके बाद हमें प्रिंटेड के लिए पी प्रेस करना है, प्रिंटेड बुक्स आ जाएंगी। कितने पीसेस खरीदनी है हमें एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 200 पीसेस हैं तो 200 पीसेस डाल देते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। रेट क्या चार्ज हो रहा है, तो 125 रुपीज है, तो रेट 125 डाल देते हैं। डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट रहने देते हैं। फिर वीकली न्यूज पेपर 1000 पीसेस है, तो फिर से डब्ल्यू प्रेस करते हैं, वीकली न्यूज पेपर आ जाएगा, 1000 पीसेस सिलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेस कर देते हैं। प्राइस पहले का पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो तो उसके हमें चेंजेस करने नहीं है। कंट्रोल करके आपको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस में पूछ रहा है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको न्यू रेफरेंस रहने देना और कंट्रोल करके आपको इसको सेव कर देना है। तो ये दोनों ही एंट्रीज पास हो गई हैं आपकी। अब आपको देखना होगी अगर जीएसटी में किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो गेटवे ऑफ टेली में आपको यहाँ पे ऑल्ट जी प्रेस करना है
और ऑल जी प्रेस करने के बाद आपको यहां पे चले जाना है एक बार जीएसटी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे जीएसटी R1 चेक कर लेते हैं। तो भाई जीएसटी R1 में आप देखेंगे तो जितने भी आइटम्स में जो जीएसटी चार्ज किया गया है, जो जीएसटी लगा हुआ है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इंटर प्रेस करके आप इनवॉइसेस को देख सकते हैं कौन कौन सा आइटम था। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। ये पहले के मेरे सामान थे जिनको मैंने परचेज और सेल किया था, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने अभी हाल ही में जो हमने दो चीजें परचेज और सेल की हैं, उनको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की आपकी परचेज की एंट्रीज करनी है तो उसमें आपको जीएसटी कोड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एग्जम्प्टेड लिस्ट में आता है। अब ये लिस्ट बदल सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो बेस्ड थी कि अगर हमें एग्जम्प्टेड गुड्स की एंट्रीज करनी है टेलीप्राइम में तो कैसे करेंगे। बहुत जल्द यानी फिर से मिलेंगे हम कल नए वीडियो में, देखेंगे हम एग्जम्प्टेड गुड्स की अगर हमें सेल की एंट्रीज पास करनी है तो सेल की एंट्रीज कैसे पास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।